हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज की कंपनी का नाम है टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड। एक लीडिंग मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर है प्लास्टिक लैबवेयर प्रोडक्ट्स की इंडिया में। लाइफ साइंस की फील्ड में इनका 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस सेक्टर में इनका मार्केट शेयर 9-12% है इंडिया में। इनके पास ओवर 1700 SKUs है अक्रॉस 300+ प्रोडक्ट कैटेगरीज। काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। ये अपने प्रोडक्ट्स वेरियस सेक्टर्स को केटर करते हैं, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मा कंपनीज, डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड अदर्स। टारसन्स के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मदद से ये लोग वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स केटर कर पाते हैं अपने एंड कस्टमर्स को, और ये अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं। इनके प्रोडक्ट और 40+ कंट्रीज को सप्लाई किए जाते हैं ग्लोबली, और इनके 141+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में, तो इनका काफी तगड़ा नेटवर्क है। जैसे नॉर्थ में इनके 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ईस्ट में 42, वेस्ट में 18 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड साउथ में 39 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया। इनके क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो काफी बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे इमामी लिमिटेड, गोदरेज है, हिमालय है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लुपिन, मैनकाइंड, नेस्ले, पतंजलि एंड मेनी मोर। अभी हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू। सो इनके प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कंज्यूमेबल्स, रियूजेबल्स एंड अदर्स। सो कंज्यूमेबल्स में इनका 63% रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY 2022 में, जिसमें आते हैं सेंट्रीफ्यूज वेयर, क्रायोजेनिक वेयर, पेट्री डिश, पिपेट्स एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी है रीयूजेबल्स, जिससे 33% ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY 2022। सो इसमें आते हैं बॉटल्स एंड कारबॉइज, बीकर्स, रैक्स एक्सेट्रा। और अदर्स से जनरेट हुआ था 4% ऑफ रेवेन्यू, जिसमें आते हैं वर्टेक्स शेकर्स, सेंट्रीफ्यूजेस एंड पिपेटर्स। अब इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा समझते हैं। सो कंज्यूमेबल्स, जिससे 63% ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उसमें आते हैं पिपेट टिप्स, जो कि रिसर्च वर्क में यूज होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स विद हाई प्रेसिजन। दूसरा प्रोडक्ट है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्पिनिंग डाउन एंड सेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा है पेट्री डिशेस, मोस्टली यूज्ड इन कल्चर ऑफ माइक्रोब एंड सेंसिटिविटी एसिड। फिर है क्रायो वायल्स एंड स्टोरेज वायल्स, जो कि यूज होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स एट टेम्परेचर एज लो एज -196 डिग्री, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन होता है वो इसमें स्टोर होता है। फिर इनके नेक्स्ट कैटेगरी देखे रियूजेबल्स एंड अदर्स, जिससे 37% ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उसमें आते हैं बॉटल्स, यूज फॉर कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स, जो कि लीक प्रूफ, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल भी। सेकंड प्रोडक्ट है कारबॉइज, यूज्ड फॉर मीडिया फॉर्मुलेशन एंड मिक्सिंग, स्टरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंटरमीडिएट्स। बाकी है बीकर, सिलेंडर्स, बेंच टॉप इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। सो इनके Q1 FY 2023 की फाइनेंशियल हाईलाइट्स देखते हैं। रेवेन्यू देखे तो Q1 FY 2022 69.2 था और Q1 FY 2023 68.6। सो FY 2022 में हायर शेयर ऑफ कोविड रिलेटेड सेल्स, कोविड की वजह से इनके सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, और फिर FY 2023 में इनका हायर शेयर ऑफ कन्वेंशनल बिजनेस। EBITDA देखे तो FY 2022 बेटर थ्रूपुट एंड लोअर कॉस्ट लेड टू EBITDA अपटेक, और FY 2023 देखे तो कमोडिटी इन्फ्लेशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट इन मैन पावर टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ इंपैक्टेड EBITDA, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उसकी कम है। और इनके मार्जिन्स भी कोविड के समय बहुत बड़े थे, फिर जैसे जैसे डिमांड कम हुआ उनके मार्जिन्स भी घट गए। अभी देखते हैं इनका हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स। रेवेन्यू देखे तो 31% से अपे, EBITDA 48% प्लस, PAT इज 58% प्लस, और मार्जिन्स भी इनके काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनके की हाइलाइट्स देखे तो ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, और रिसेंटली इन्होंने 5 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया है फॉर डेवलपिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पांचला, वेस्ट बंगाल, टू एक्सपांड एंड एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट। और ये कंपनी प्लान कर रही है कि ये 120 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। अभी इनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इनका 75% रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट से आता है। सो इम्पोर्ट साइकिल में अगर कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ा तो इनके रेवेन्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड रिस्क है प्लास्टिक बैन का, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो प्लास्टिक बैन का एक रिस्क है। सो अभी हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। सो कंपनी का करंट प्राइस है 875, और आज स्टॉक का प्राइस 1.56% से अप है। मार्केट कैप की बात करें तो 465 करोड़ है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पी देखे तो 48.4 और इंडस्ट्री पी 26.7, सो हम बोल सकते हैं स्लाइटली ओवर वैल्यूड। बट अगर स्टॉक का पी 50 से नीचे है तो ऐसा मानते हैं कि इट्स फेयर वैल्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 35.3% बहुत अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4 ये भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 49%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 5-year सेल्स ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है। 3-year सेल्स ग्रोथ 18.9%, जो कि अच्छा है, डबल डिजिट में अच्छा है। अभी हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीजिंग था
क्योंकि मार्च 2022 में कोविड की वजह से इनके सेल्स बहुत ज़्यादा हुए थे। कोविड की वजह से इनका डिमांड, इनके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत बढ़ गया था, और फिर जून के क्वार्टर में इनके सेल्स कम हुए, बहुत कम हुए। और 2021 जून और 2022 जून को कंपेयर करें तो कोई ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम था कि कोविड की वजह से इनका सेल्स ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और फिर जून के क्वार्टर में जैसे डिमांड कम हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ। इनके मार्जिन्स देखें तो इनके मार्जिन्स अराउंड 45-50 में आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी स्टेबल है, ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। अभी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो ईयर ऑन ईयर सेल्स 2019 से लगातार बढ़ते जा रहे थे, और जैसे ही कोविड आया, कोविड की वजह से सेल्स बढ़ गए और डिमांड कम होने से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ज़्यादा ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा है कंपनी, और जैसे मैंने बोला मार्जिन इनके 45-50 के बीच में आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भी ये काफ़ी अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स देखे तो 19%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स 37%, अच्छा, बहुत अच्छा। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स 28%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। शेयर कैपिटल 0 से 11, क्योंकि लिस्ट हुआ है कंपनी रिसेंटली। रिजर्व्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए रिजर्व्स। बोरोइंग्स देखें तो 22 करोड़ के बोरोइंग्स है, डेट है, कर्जा है, और रिजर्व्स की तुलना में बोरोइंग्स तो कुछ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का अच्छा खासा कैश जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने एसेट्स परचेस किए, क्योंकि ये लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स से इनको पैसा मिला था, शेयर्स बेच के, क्योंकि लिस्ट हुआ था कंपनी, और अपने बोरोइंग्स भी भर रही है, रीपेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट भर रही है। नेट कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव में, और अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा है कंपनी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। इन्वेंटरी डेज देखें तो अनस्टेबल है, अच्छे नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी सेम, नॉट गुड। वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीजिंग है, अच्छा नहीं है। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो इनका 30% से ज़्यादा निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास 47.31% स्टेक है, और FIIs का देखें तो FIIs के पास 9.33% स्टेक है, बहुत अच्छा स्टेक है इनके पास। और DIIs के पास भी इनका स्टेक है अच्छा खासा, FIIs के पास 9%, DIIs के पास 8%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं कंपनी के टेक्निकल्स। सो कंपनी लिस्ट हुई थी 26 नवंबर को, और रिसेंटली 7 सितंबर को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था 50 EMA को क्रॉस करके, 14% का ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। सो अभी स्टॉक कर रहा है कंसोलिडेशन यहाँ पे, और नीचे से देख रहे हो इस कंसोलिडेशन जोन में अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। 842 का मेजर सपोर्ट लेवल है, और 900 का मेजर रेजिस्टेंस, और हम ये देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा 900 के पास जैसे निकलेगा, यू कैन फ्रेश बाय। और मिड टर्म चार्ट भी स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, अपना खुद का रिसर्च करो। कंपनी में रिस्क फैक्टर्स भी है, नेगेटिव चीज़ें भी है, सो अपना खुद का रिसर्च करो एंड देन ओनली इन्वेस्ट। बाकी ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।